चला जा आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आप भी तो इंसान हैं। नहीं नहीं, इसको पूरा इसकी स्त्री जांच पे हो, इसकी स्त्री जांच ओरिजिनल एनकाउंटर नहीं है, कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट में जाना चाहिए इसको, फांसी दे देते, फांसी दे देते, कोई दिक्कत नहीं। सब चल जो कानून, जो यहाँ के चकिया के लोग हैं उनको उनको पुलिस को लेकर काफी नाराजगी भी है। सभी बोलने से होगा क्या? कुछ हो सकता है बोलने से? क्या कहना चाहते हैं असद को लेकर? असद को लेकर अगर कोई बात होगा तो आप सरकार के खिलाफ मुहिम चला सकते हैं, देख सकते हैं आप ये यहाँ पर। तो अतीक अहमद आपके हिसाब से ठीक है? आप अतीक अहमद को सही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, उमेश पाल का उसने हत्या की, आप सही मानते हैं अतीक अहमद को? उमेश पाल ने हत्या किया है, आप सही मानते हैं अतीक अहमद को? उमेश पाल के हत्याकांड क्या है मामला, वो मुजरिम है या नहीं, या वो हम नहीं जानते। कौन मुजरिम है? असद की बात जो आप कर रहे हो, मुजरिम है या नहीं? तो आपने वीडियो देखा है? हमने देखा है, लेकिन ये जो तरीके से इनको मारा गया, ये तरीका क्या संविधान इजाजत देती है इस बात की? आप हमें, आप मीडिया वाले हैं, तो असद को आप अतीक अहमद सही मानते हैं? हम नहीं, वो हम कहते वो मुजरिम है, अगर वो गुंडे करता है, उनके लड़के की मौत हुई, हम कहते संविधान के अंदर जो कानून के तहत काम होता है वो काम किया गया। आप खुद मीडिया ने तमाम दुकानें यहाँ बंद कर रखी हैं। हाँ, तो क्यों बंद करके रखे? आप खुद सोचिए, क्या विरोध में, क्या लोगों में गम नहीं है तो ऐसे बंद करके रखे हैं? लोगों में गम नहीं है? पुलिस पर अगर कोई गोली चलाएगा तो क्या वो सही है? पुलिस पर गोली चलाना सही है? आप कैसे बता सकते चलाया उन्होंने? पुलिस का तो ये कहना है ना, पुलिस तो कुछ भी बता देगी। तो आप समर्थकों को सुन रहे हैं राजीव यहाँ पर।